हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्दीप चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सीड से जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ लेकर आए हैं। हर घर में पाया जाता है ये, बहुत ही अच्छे सीड्स हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा चलन है लोगों में। ये फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज भी कहते हैं, आयुर्वेद में इसको अस्सी या तीसी भी कहते हैं। और अगर मैं मॉडर्न के हिसाब से बात करूं तो अलसी के बीजों में बहुत अच्छा प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस बहुत अच्छा है। तभी कहा जाता है कि औरतों के लिए, पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन के लिए, हड्डियों की हाई डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं ये, कि कैल्शियम जब लूज़ होता है अपने आप बॉडी से उस टाइम पर बहुत अच्छे हैं। पंजाब में तो अलसी की पिन्नी, उसका बहुत चलन है। अलसी को हम इस तरह से सूप्स में, सैलेड्स में, किसी भी तरह इनके बीजों को ले सकते हैं। पर मैं आपको आज इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी बताती हूँ। जैसे आयुर्वेद मानता है कि ये वात और कफ शामक है, बहुत गर्म होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि रक्त और पित्त थोड़ा सा बड़ा, मतलब उनमें इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, पित्त बढ़ा सकती है, ब्लड में प्योरिटीज़, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आँखों की हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक नहीं रहती। थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए कि बहुत एक्सेस में ना लो। अगर आपकी बॉडी पित्त टाइप है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मीडियम टू मॉडरेट, बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके मैं आयुर्वेदिक गुण आपको साथ साथ बताऊंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब है, बहुत अच्छे सीड्स हैं इसके, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको अब साथ साथ बताऊंगी। जैसे औरतों के लिए मैंने बताया कि हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसको मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं पित्त प्रकृति वाले भी। इसके साथ साथ आयुर्वेद की दृष्टिकोण से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पुलटिस की फॉर्म में, जिसे आयुर्वेदिक भाषा में उपनाह कहा जाता है, लाइक पुलटिस बांधना। मान लो कहीं सूजन है, बहुत दर्द है, उस टाइम पर हम इसकी पुलटिस बांध सकते हैं, कोई बैंडेज पर बांध सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि अगर हम 20 ग्राम अलसी लें, यानी कि 4 ये छोटे चम्मच अलसी के बीज, और 150 ml पानी ले लें और इसको, इनको पकाएं आपस में, जैसे हलवे जैसा बन जाएगा, जिससे लेस लेस हो जाती है ना, क्योंकि इसके बीज में बहुत लुआब या लेस होती है, तो एकदम लेस लेस वाला बन जाएगा। जहाँ पर आपने सेक करना है, जिस जगह पर बहुत दर्द है, बहुत सूजन है, वहाँ पर पहले एक बैंडेज लगा लीजिए, थोड़ा ऑयल लगा के एक बैंडेज लगा सकते हैं हल्की सी, उसके ऊपर इसको फैला दो हल्का गरम गरम। और ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक फीमेल में क्रॉनिक मेट्राइटिस का पेशेंट, यानी कि जिसमें गर्भाशय यानी यूट्रस की इन्फ्लामेशन हुई होती, बहुत सूजन और बहुत दर्द होती है, उस केस में हमने ये अलसी के बीजों की जो पुलटिस है वो नाभि के नीचे वाले भाग पे, यानी कि यूट्रस वाले एरिया पर, उसका हमने पुलटिस को बैंडेज पे करके लगाया, बहुत बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले हमें। 1 या 2 सिटिंग्स में ही पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम था। मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि मेंसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में आना और दर्द बहुत ज़्यादा होना, तो इसका उपयोग हमें 3/4 डे, मेंसेस का 3/4 डे जब निकल जाए उसके बाद हम कर सकते हैं, ताकि ब्लड फ्लो उसको हम जो नियमित रूप से निकल रहा है उसको निकलने दें, उसके बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस थे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे, वो मैंने इस वीडियो के ज़रिए आप सबके साथ शेयर किया है। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये सबसे बेस्ट हर्ब है, सबसे बेस्ट सीड्स हैं जिसका कि हम पुलटिस बांध सकते हैं। मैंने कहा ना, हलवे जैसा लुआबदार सा, लेस लेस वाला वो हलवे जैसा बन जाता है, वो आप कहीं भी सूजन पर उस पर लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आयुर्वेद के इन हर्ब्स को आप शेयर करें और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। धन्यवाद।